हेलो फ्रेंड्स, कंपटीशन कैकर में एक बार फिर आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं मेमोरी बेस्ड जीके क्वेश्चंस के बारे में, जो हमारे पास आए हैं कुछ व्यूअर्स से, जो हमें जानकारी मिली है। तो आज जो आईबीपीएस क्लर्क मेंस एग्ज़ाम हुआ है 21 जन को, तो उसमें जो जीके क्वेश्चंस पूछे गए हैं उसके बारे में हम एनालिसिस करने वाले हैं। अगर आपको कंप्लीट एनालिसिस चाहिए एग्ज़ाम का, तो वो मेरे चैनल कंपटीशन कैकर पे आप देख सकते हैं, कंप्लीट एनालिसिस ऑफ आईबीपीएस क्लर्क मेंस एग्ज़ाम। आज हम बात करेंगे जीके क्वेश्चंस के बारे में। तो जीके क्वेश्चंस के बारे में पहले बात करने से पहले मैं आपको बता दूं कि कुछ क्वेश्चंस आए थे करंट अफेयर्स से, जो लास्ट 4 to 5 मंथ्स, कुछ स्टैटिक जीके और कुछ क्वेश्चन थे आपके बैंकिंग से। तो तीनों के मिक्स मिक्स क्वेश्चन पूछे हैं, ये नहीं किसी के ज़्यादा पूछ लिए किसी के कम पूछ लिए, तीनों के मिक्स क्वेश्चन आए हैं। तो 70% यानी 50 क्वेश्चन से, 50 क्वेश्चन का 70% लगा लीजिए, 33 to 35 क्वेश्चन मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूँ। तो इस वीडियो को एंड तक देखें ज़्यादा से ज़्यादा, और आप फ़ायदा उठा सकते हैं, और आपको पता चल जाएगा कि आने वाले एग्ज़ाम जो हैं, कैनरा बैंक पीओ हो, सिंडिकेट बैंक पीओ हो, या फिर आपका कोई भी एग्ज़ाम हो, एसबीआई क्लर्क हो, तो उसमें किस तरह का ट्रेंड रह सकता है जीके क्वेश्चंस को लेके। चलिए फ्रेंड्स, स्टार्ट करते हैं। अगर आपने मेरे चैनल कंपटीशन कैकर को सब्सक्राइब नहीं किया है तो एक बार सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ज़रूर दबाएं, ताकि कोई भी लेटेस्ट वीडियो अपलोड हो तो वो आप सबसे पहले देख पाएँ। तो जीके क्वेश्चंस आप देख ही सकते हैं। पहला क्वेश्चन करंट अफेयर का क्वेश्चन है, इकोनॉमिक्स का जो नोबल प्राइज़ है वो किसको दिया गया था 2017 का, तो वो है रिचर्ड थेलर। उकाई डैम कहाँ पे सिचुएटेड है, ये आपका स्टैटिक जीके का क्वेश्चन बनता है, तो ये सिचुएटेड है गुजरात में। ऑस्ट्रिया की कैपिटल पूछी गई है, तो ये है वीना। विच सिटी हैज़ होस्टेड मीटिंग ऑफ 48 गवर्नर्स, तो मीटिंग ऑफ 48 गवर्नर्स करंट अफेयर्स का क्वेश्चन है, तो ये हुई थी न्यू दिल्ली में। इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस ऑन योगा, तो ये भी एक करंट अफेयर्स का क्वेश्चन है, ये हुई थी न्यू दिल्ली में। अब देख लेते हैं और क्वेश्चंस। SCO यानी शंघाई कॉरपोरेशन ऑर्गेनाइजेशन सबमिट हुई थी जो 2017 में, वो कहाँ पे हुई थी, तो ये भी एक करंट अफेयर्स का क्वेश्चन है, ये 4 to 5 मंथ्स बैक हुई थी मेरे को याद है जितना, अस्ताना कजाकिस्तान में हुई थी। तो करंट अफेयर्स, बैंकिंग और स्टैटिक तीनों क्वेश्चंस पूछे गए हैं इस एग्ज़ाम में। लेख टंडन कौन है, तो ये हैं आपके इंडियन फिल्म मेकर और एक्टर। शशि थरूर के बारे में पूछा गया था, कमेटी के बारे में पूछा गया है कि कमेटी कौन हेड कर रहा है चाइना रिलेशनशिप की, तो ये है शशि थरूर। JRD टाटा स्पोर्ट्स मेमोरियल कहाँ पर सिचुएटेड है, जमशेदपुर। अब एक क्वेश्चन आपका आ गया इंटरेस्ट रिस्क के बारे में, जो कि है बैंकिंग का क्वेश्चन बनता है एक्चुअली ये, तो बैंकिंग के क्वेश्चन भी आपको काफ़ी पूछे गए हैं इसमें। तो ये को इंटरेस्ट रिस्क जो है किस टाइप का रिस्क है, मार्केट रिस्क। तो देख रहे हैं फ्रेंड्स आपको किस तरह से ट्रेंड आपको पता चल गया होगा, क्या ट्रेंड बन रहा है इन क्वेश्चन का, जी के क्वेश्चन का। BD मिश्रा कहाँ के गवर्नर हैं, स्टैटिक जी के का क्वेश्चन अगेन, तो ये हैं अरुणाचल प्रदेश के गवर्नर, जो कि नॉर्थ ईस्ट में है। बलफक्राम नेशनल पार्क कहाँ पे लोकेटेड है, ये है मेघालय में लोकेटेड, तो ये भी एक स्टैटिक जीके का क्वेश्चन और नॉर्थ ईस्ट का क्वेश्चन। UCO यानी यूको बैंक के हेडक्वार्टर्स, अब ये भी एक स्टैटिक जीके का क्वेश्चन, तो ये है कोलकाता में। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है नीति आयोग के वाइस चेयरमैन, तो ये भी एक स्टैटिक जीके ही है, तो ये इनका नाम है राजीव कुमार महर्षि। विनर ऑफ चाइना ओपन सिंगल्स मेन टाइटल, तो ये अब एक करंट अफेयर्स का क्वेश्चन आ गया, तो ये हैं राफेल नडाल। तो आप देख रहे हैं मिक्स क्वेश्चंस आए हैं, कुछ स्टैटिक से हैं, कुछ करंट से हैं और कुछ बैंकिंग के। धीरू भाई अंबानी सोलर पार्क कहाँ पे सिचुएटेड है, ये है राजस्थान में। हैंड इन हैंड बायलिटरल एक्सरसाइज किस दो कंट्रीज के बीच में होती है, ये होती है चाइना और इंडिया, ठीक है जी।
एन ए सी एच जो है उसमें एच का मतलब क्या है? तो नेशनल ऑटोमेटेड क्लियरिंग हाउस, इसमें एच का मतलब क्या है? हाउस। तो ये आपका बैंकिंग का क्वेश्चन बनता है, ठीक है जी। अब कुछ और क्वेश्चन शेयर कर रहा हूँ मैं। विच इंडियन स्टेट स्टार्ट एडजर्नमेंट ऑनलाइन, ऑनलाइन एडजर्नमेंट किस स्टेट ने स्टार्ट की है? राजस्थान, फर्स्ट इंडियन स्टेट। भारतीय रिजर्व बैंक नोट मुद्रण प्रेस, यानी कि जो नोट छापते हैं आरबीआई की तरफ से, तो वो प्रेस कौन सी दो सिटीज़ के आपको नाम दिए हुए थे, तो आपको पिक करना था कौन कौन सी दो सिटीज़ में ये प्रेस है। तो इनका नाम है सलबोनी और मैसूर। अब नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो है सेविंग और करंट अकाउंट, यानी कि बैंकिंग का क्वेश्चन। सेविंग और करंट अकाउंट को हम क्या बोल सकते हैं दूसरी लैंग्वेज में? कासा रेशियो, ठीक है जी। बैंकिंग का क्वेश्चन। संजीव स्टेलिन किस गेम से एसोसिएटेड हैं? फुटबॉल। अचन कुमार वाइल्ड लाइफ सेंचुरी कहाँ पे लोकेटेड है? ये स्टैटिक जीके का क्वेश्चन है, छत्तीसगढ़। अब बैंकिंग का क्वेश्चन आ गया आगे। व्हाट डज एल स्टैंड फॉर इन LAF? लिक्विड एडजस्टमेंट फैसिलिटी, जो कि एक बैंकिंग का क्वेश्चन है, तो L मतलब लिक्विड। व्हाट डज A स्टैंड फॉर? FATAF, फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स, तो ये भी एक बैंकिंग का क्वेश्चन है, तो एक्शन, A का मतलब है एक्शन। अब अगले क्वेश्चन देख लेते हैं। कुछ क्वेश्चंस हमें एग्जैक्ट नहीं मिल पाए हैं, तो हम बता देते हैं किस टॉपिक से रिलेटेड थे। हु रेगुलेट्स माइक्रो फाइनेंस, तो ये भी एक बैंकिंग का क्वेश्चन, RBI। टेन्योर ऑफ कॉल मनी, ये भी एक बैंकिंग का क्वेश्चन, 14 डेज तक होता है, 1 to 14 डेज। फुल फॉर्म पूछी गई है एक, CAGR, कंपाउंड एनुअल ग्रोथ रेट, ठीक है। कुछ क्वेश्चंस हमें एग्जैक्ट नहीं मिल पाए हैं, तो हमें बता देते हैं कौन कौन से टॉपिक हैं। इनिशियल कॉइन के रिगार्डिंग एक क्वेश्चन, ओवरनाइट बोरिंग एक क्वेश्चन, ग्लोबल डिपॉजिटरी रिसीप्ट के एक क्वेश्चन, SFM मैसेजिंग के ऊपर एक क्वेश्चन, और एक पेमेंट बैंक क्रेडिट कार्ड। तो आपको पता चल ही गया होगा किस तरह का ट्रेंड है, मतलब 50 क्वेश्चंस में से आप ये लगा लीजिए 15 15 15 ईच पूछे ही गए हैं, करंट अफेयर से और बैंकिंग से और आपका स्टैटिक से, तो तीनों इक्वल अमाउंट में ट्रेंड आ रहा है। तो ये ट्रेंड आगे भी कंटिन्यूड रहेगा होपफुली। तो इस तरह से आप अपनी तैयारी बना सकते हैं जीके की आने वाले एग्ज़ाम में, और होपफुली अगर आपको ये क्वेश्चंस काम आते हैं तो आप इस ट्रेंड से अगर प्रिपेयर करते हैं तो होपफुली आपका एग्ज़ाम ज़रूर क्लियर होगा। आपको अगर ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, और कुछ क्वेश्चंस अगर आपको पता हैं जो आए हों एग्ज़ाम में वो हमारे साथ शेयर कर सकते हैं कमेंट सेक्शन में। आज की वीडियो देखने के लिए शुक्रिया, धन्यवाद और थैंक यू।